लोग गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता दें चमोली से, जहां पल्ला जखोला सड़क पर बड़ा हादसा, हादसे में 11 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, वाहन में 12 से ज्यादा लोग सवार थे। डीएसपी मौके से रवाना। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की चमोली से सामने आ रही है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पल्ला जखोला सड़क पर भीषण हादसा और इस हादसे में 11 लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। वहीं 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए इस हादसे की तस्वीर निकलकर सामने आई है, किस तरह से मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो चमोली से ये तस्वीर और ये खबर, जहां पल्ला जखोला सड़क पर भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है, वहीं 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि वाहन में 12 से ज्यादा लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है और डीएसपी मौके से रवाना हो चुके हैं। तो चमोली से बड़ी खबर, पल्ला जखोला सड़क पर यह हादसा हुआ, जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि वाहन में 12 से ज्यादा लोग जो है वो सवार थे। डीएसपी मौके पर रवाना हुए हैं। सुरेंद्र रावत अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी, जो ये जोशमठ ब्लॉक के पल्ला जखोला जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पे ये वाहन गांव के लोगों को लेके जा रहा था, तो इस दौरान बहरी खाई में अनियंत्रित होकर गिर गया था, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पे पहुंचे। बहुत ही खतरनाक स्थिति यहां पे हुई थी और 11 लोगों की मौके पे ही मौत होने की अभी तक पुष्टि की है राजस्व पुलिस ने। और जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना, एसपी चमोली परमेन डोभाल और पूरी टीम एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जो राजस्व पुलिस जोशमठ के है, वो सभी मौके पे पहुंचे हैं। लेकिन स्थितियां बहुत गंभीर हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सड़क की खराब स्थिति है, इसके चलते ही दुर्घटना हुई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इसमें जांच की बात की जा रही है और जो मृतक लोग हैं उनके पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। सुरेंद्र, एग्जैक्ट डेटा निकलकर सामने आए कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, वाहन पे कितने लोग सवार थे और कितने लोग घायल बताए जा रहे, और क्या उन घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है? क्योंकि एग्जैक्ट डाटा अभी तक इसलिए नहीं पा पाया क्योंकि जो स्थितियां हैं बहुत ही पहाड़ी में जो खाई है वहां पे लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 11 लोगों की पुष्टि अभी तक भी है, 3 जो घायल हैं उनका डाटा भी सामने आया है और जो घायल है उनको जोशीमठ अस्पताल ले जाया गया है और जहां पे उनके प्राथमिक उपचार शुरू हुआ है और डीएम और एसपी मौके पे बने हुए हैं। स्थानीय लोग भी पूरी तरह से उसी स्थान पर है क्योंकि स्थानीय लोग हैं सारे, डुम्बा कलकोट पल्ला जखोला और जो गांव है, जो सब गांव के स्थानीय लोग होने के पूरे क्षेत्र में मातम भी पस रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जो मौत हुई है लोगों की, तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक दुख का माहौल बना हुआ है। और सुरेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पाई है कि ये हादसा कैसे हुआ? वाकई बेहद ही दर्दनाक हादसा है, 11 लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल, अब तक की जो जानकारी मिली है, क्योंकि जो सड़क है पल्ला जखोला वाली वो अभी निर्माणाधीन सड़क है और इस सड़क में जो तकनीकी जो खामियां, कई तरह की जो पहले भी लोग पूर्व में जो ग्रामीण हैं वो शासन और प्रशासन के सामने इस बात को रखे रहते हैं कि इसमें कहीं कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन निर्माणदायी जो संस्था है, निर्माणदायी जिम्मेदार जो लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं का इंतजार करते हैं कि जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी भी लोगों की जो बात होती है, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनको गंभीरता से नहीं ले जाने के चलते इस तरह की घटनाओं को अंजाम मिलता है। चलिए सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। तो दर्दनाक हादसा चमोली में, आपको बताते चले कि इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। पल्ला जखोला सड़क पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है और ये सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पा रहे हैं।